नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज इन्फॉर्मेशन लेके आए, जो कैंडिडेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, मास्टर डिग्री के अंदर या किसी भी क्लास के अंदर आप लोग अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, आप लोगों के मार्क्स कम रह गए, आप लोगों को लगता है कि मुझे अपनी परसेंटेज को थोड़ा अपग्रेड कर लेना चाहिए, उसके लिए आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कि आप लोगों को कितने साल का टाइम पीरियड मिलता है इसके लिए, अगर उससे ज्यादा लेट हो गए तो उसका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ये डिस्कस हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इम्प्रूवमेंट का रूल है, चाहे आप डिस्टेंस से हैं, प्राइवेट से हैं या आपने रेगुलर से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री की है सिवाय बीएड और एमएड के, क्योंकि बीएड और एमएड के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होता, लेकिन जो ग्रेजुएशन है, कोई भी मास्टर डिग्री है आप लोगों ने की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और आप अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि आप लोगों को 2 साल के अंदर अंदर, जैसे आप लोग मान लो अगर 2020 के अंदर आप लोगों की कोई डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो आप लोगों के पास 2 साल का टाइम है, 2 साल के अंदर आप लोगों को आपका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, और आप लोग बिना किसी लेट फीस और बिना किसी एडिशनल चार्जेस के नॉर्मल फीस के साथ अपनी इम्प्रूवमेंट को कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि कुछ जो पुराने कैंडिडेट हैं, चाहे वो 2020 से पहले के, मान लो जिनकी दो साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल से लेट हो चुके हैं, और काफी 2010 के हैं, 2005 के हैं, 2000 वाले भी कुछ कैंडिडेट हैं जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्पेशल मर्सी चांस देती है, और वो मर्सी चांस के थ्रू ही आप लोग अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। और मर्सी चांस में कुछ नहीं होता, नॉर्मल ही आप लोगों के जैसे प्राइवेट के डिस्टेंस के फॉर्म आते हैं, अभी जैसे जनवरी के अंदर आप लोगों के जनवरी के लास्ट तक शायद आ जाए इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भी, जैसे प्राइवेट के फॉर्म आएंगे उनके साथ में इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भी आएंगे, और इम्प्रूवमेंट में जो मर्सी चांस के फॉर्म है, मर्सी चांस की जो फीस होती है वो आप लोगों की 20,000 से लेकर 30,000 आप लोगों की फीस होती है, उसमें अलग अलग टाइम जोन दे दिया, उसमें जैसे 2000 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 2000 से पहले जिन्होंने पास आउट किया, उनके लिए आप लोगों की फीस रहेगी 30,000 रुपए, और जो 2000 से लेके 2011 तक के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस है वो 25,000 रुपए के आसपास है, और उसके बाद के जो कैंडिडेट हैं उनकी 20,000 रुपए के आसपास है। इस तरीके का कोई फीस स्ट्रक्चर है इनका, और उसी के अकॉर्डिंग जो जिस टाइम पे आप लोगों के फॉर्म आते हैं वो एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर आपका दोबारा से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जारी करती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो मर्सी चांस में आप लोग अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपकी एडिशनल फीस लगेगी अगर आप लोगों की डिग्री को कंप्लीट हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। यही इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से उनके लिए लेके आए थे। अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी डिग्री को अभी 2 साल नहीं हुए, तो आप जल्दी से उसको अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को भारी फीस 20-30 हज़ार रुपए के रूप में देनी पड़ेगी। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।